जय श्री राधे कृष्णा। घर एक मंदिर है, इस मंदिर की साफ सफाई करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। भवन को स्वच्छ या सुंदर बनाने के लिए सबसे उपयोग चीज है झाड़ू। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास है। स्वच्छता की शुरुआत झाड़ू से ही होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन वही होता है जहाँ स्वच्छता होती है। अर्थात झाड़ू एक ऐसा यंत्र है जिसका अच्छे ढंग से प्रयोग करके घर की दरिद्रता को मिटाकर सुख व समृद्धि लाई जा सकती है। ऐसे में जाहिर है कि घर में झाड़ू का पर्याप्त ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन की हानि होने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तुशास्त्र में झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि झाड़ू को हमेशा साफ सफाई से रखे और इसे गीला ना छोड़े। झाड़ू कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए, इसे भवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। भोजन कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक डाल लेना चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है। झाड़ू भूलकर भी अपने बेडरूम में ना रखे, अन्यथा पति पत्नी में तनाव की स्थिति बनी रहती है। किसी व्यक्ति अथवा जानवर को कभी झाड़ू से नहीं मांगना चाहिए, ऐसा करने से अपशगुन की श्रेणी में आता है। हमें अपने घर के झाड़ू को किसी और को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास है। झाड़ू पर भूलकर भी पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। अगर कभी गलती से झाड़ू पर पैर पड़ गए तो झाड़ू से क्षमा मांग लेनी चाहिए। यदि घर का मुखिया किसी खास प्रयोजन से निकले तो उसके तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा करने से बनता काम भी बिगड़ जाता है। भवन में सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा लगाना अशुभ माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू से घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू को जलाने की गलती कभी ना करें। ये कुछ बातें हैं जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और यूनिट ऑनर को सब्सक्राइब कीजिए।